हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगाड़ी अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए फ्रेंड, ये एक अनारकली है। तो ये अलग से एक टेक्निक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं इसको। तो मैं इसका सिर्फ आप लोगों को ये ड्राफ्टिंग के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को ड्राफ्टिंग दिखा दिया है, तो ये स्टाइल भी आप लोगों को समझा दूँ। तो इसमें क्या है फ्रेंड, जैसे कि अब देख ही रहे हैं सभी को, एक ही हर बात में जो ये ड्राइंग करता है वो एक ही रहता है। तो इसमें जो चेंजिंग है वो थोड़ा सा अलग है, और इस तरह का जो चेंजिंग मैंने आप लोगों को दिखा पहले वीडियो में भी दिखाया आप लोगों को। तो ये देखिए, इसका जो शोल्डर होता है, ये शोल्डर है, ये हमारा हाई बस्ट, ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा हिप है। और जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे कि हिप से लेकर हम इसे सीधा कर देते हैं इसे, और ये जो एक पैनल है और ये एक पैनल है, ठीक है। ये हम क्या करने वाले हैं, तो 24 पैनल इसका होगा, ठीक है। तो इसके शोल्डर फ्रेंड 8.5 है, मैंने माइनस हाफ कर दिया है इस जगह में, यानी कि इसको आता है 8 इंच आ रहा है। और 8 इंच आने के बाद क्या हो रहा है, मैंने इसे 5 भागा करेंगे, क्योंकि इसमें जो पैनल होगा, इसमें 5 पैनल एक तरफ होगा और उस तरफ होगा फ्रेंड 5 पैनल होगा, ठीक है। 5 5 क्या होगा, 10 होगा, और पीछे 10, और हमारा जो फ्रंट में 10, तो 20, और ये पार्ट हमें 4 पीसेस, तो मिलाकर 24 पैनल ये होगा। तो इसी तरह कैलकुलेट करके अगर 5 भागा करो इसे, तो 1.6 आता है, ठीक है। तो 1.6 आता है फ्रेंड, तो ये जो 1.6 आएगा फ्रेंड, ये दोनों तरफ का आएगा 1.6। मैंने इसे फोल्ड में कटिंग करने वाला हूँ, इसे फोल्ड, ठीक है, इसमें फोल्ड है इस पार्ट में। तो एक एक पार्ट में 0.8 आएगा। तो हमें क्या करना है, ए बी इक्वल टू, ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखा दूँ इस जगह के बारे में, और ये ठीक है। तो ये देखिए मैंने ए और बी, इसमें क्या है 0.6 टोटल, एक एक पैनल का जो हमारा वेथ है, एक एक पैनल का, और इसका हाफ करने से ये देखिए 0.8 होता है, यानी कि हमारा जो हाफ इंच से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि 1 इंच से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, 8 होता है। और सी डी यानी कि हमारा हाई बस्ट की तरफ भी एक ही है, जैसे कि ए बी, उसी तरह सी डी और उसी तरह ई ए इक्वल रहता है सीधा। और उसके बाद नीचे में से जो जी और ए से हमारा है, ये बढ़ेगा जी ए सी, ये देखिए टोटल हमारा 6 है, और हाफ करके मैंने 3 लिया है, इसका मतलब जी ए इस 3 है इस जगह में। तो यहाँ से जो हमारा 0.8 होगा, वहाँ से लेकर सीधा इस पॉइंट को हमें मिलाना है बस, और कुछ भी नहीं है। और इधर तो आप जानते हैं, जैसे कि सीधा लाइन दिया है, और इधर से जैसे कि यह जैसे मेजरमेंट होता है, इसी तरह हमने इक्वल करके इस लाइन दिया है, और उसके बाद सीधा इसका जो पॉइंट होता है, इससे हम लोग इक्वल भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा बड़ा भी इस पार्ट को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो पॉइंट आएगा उसे से इसे मिला दीजिए। और एक बात बता दो फ्रेंड, ये ऐसे आप लोगों को देख रहे हैं, मगर जब करेंगे हम, तो इसे हम ऑब्वियसली यू हैव टू दिस टाइप शेप, ये देखिए इसी तरह हम लोग शेप दे देते हैं, तो आप लोगों को भी इसी तरह शेप देना है, नहीं तो सब गड़बड़ होगा, फिटिंग्स अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक पैनल को हम कटिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम इस जगह में एक दूसरा पेपर में हम इसे कटिंग करते हैं। अब मानिए ये हमारा एक पेज मैंने लिया है इसको, और इसके बाद जो मैंने बोला थोड़ा सा आप लोगों को करके दिखा दो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा इसमें फ्रेंड, 0.8 इस जगह में लिया है, और उसके बाद हाई बस जो पोजीशन आप देख रहे हैं सी और डी, इसमें भी मैंने 0.8 लिया है, और उसके बाद ई और एफ जो ओएस्ट है उसमें भी 0.8 लिया है इस जगह में, और जो नीचे जी और एस उसमें भी मैंने 3 लिया है उसमें, ठीक है। तो जो आता है शेप तो इसी तरह आता है, देखिए ये बड़ा होता है, और इसके बाद ये ऐसा होता है। थोड़ा सा आप लोगों को शेप अगर दिखा दूँ तो आप लोगों को करने में बहुत आसान होगा, ठीक है भाई। ये देखिए इसी तरह इसका शेप आएगा, ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड इसी तरह। और इसे फोल्ड कर दूँ तो इसी तरह आएगा, ये एक अलग अनारकली है, ये भी बहुत अच्छा चलता है, ठीक है।
इसी तरह करना है। और साइड पैनल में जो है तो जैसा है करेंगे। और एक बात मैं बता दूँ, जैसे कि इसका जो जिस तरीके से हम लोग करते हैं फ्रेंड, तो उसी तरह इसका भी उसी तरह शेप कर देना है, ठीक है। जैसे इसका लंबाई होता है उसी तरह इसका भी हमें शेप कर देना है, ताकि ये हमारा सभी पैनल इस तरह हो जाएगा घूम के, ठीक है। तो इस वीडियो में और कुछ भी बोलने का नहीं है, आज के लिए इतना सही था फ्रेंड। बाय बाय, टेक का शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।